नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम आपको एक नींबू की जानकारी देने वाले हैं जो साधारण नींबू से अलग है। यह बिजोरा नींबू है जो 5 मिनट में पुरानी से पुरानी खुजली को ठीक कर देता है, तथा यह सिर दर्द, कान का दर्द, दांतों का दर्द, सांस की बदबू, खांसी, पेट के कीड़े, पीलिया, मूत्र संबंधी विकार, किडनी के रोग, पथरी आदि समस्याओं को भी दूर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। इस नींबू की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान और उनके औषधीय फायदे जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल जंगली मेडिसिन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहें। यह बिजोरा नींबू का पेड़ है जो नींबू के पेड़ की तरह ही होता है। इसका झाड़ मध्यम आकार का होता है। इस पर इस तरह के नींबू लगते हैं जो नींबू से कई गुना अधिक बड़े होते हैं। यह नींबू सामान्य नींबू की तुलना में काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ होते हैं। इस पर पत्ते भी बड़े बड़े लगते हैं। इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। इसके नींबू कच्ची अवस्था में हरे और पकने पर पीले और कुछ लालिमा लिए हो जाते हैं। इस पर सफेद रंग के सुंदर फूल लगते हैं जिसके अंदर खुशबू भी आती है। इस बिजोरा नींबू की आयुर्वेद में काफी प्रशंसा की गई है, क्योंकि इसकी काफी सारी औषधियां बनाई जाती हैं और अनेक रोगों को ये दूर करने की अद्भुत शक्ति रखता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से इसको जाना पहचाना जाता है। जैसे संस्कृत में इसको बीज पूरक, अम्ल केसर, मध्य केसर, हिंदी में बिजोरा नींबू, गुजराती में बिजोरू, तमिल में मादी फलुम, नेपाली में बिमुरू, बंगाली में टावा लेबू, मराठी में महालुंडंग, पंजाबी में बिजोरी, तथा इसको अंग्रेजी में एडमस एप्पल और इसका वनस्पतिक नाम है सिट्रम मेडिका। आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इस बिजोरा नींबू को क्या नाम से जानते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। आयुर्वेदिक मत अनुसार इसके पुष्प दीपन ग्राही, लघु, शीतल, रक्त पित्त, शामक होते हैं। यह दीपन जीभ तथा हृदय को शुद्ध करने वाला और दमा, कांस, आरुचि, पित्त तथा तृष्णा शामक होता है। इस नींबू का छिलका काफी मोटा होता है जो कटु, तीक्त, उष्ण, गुरु, कफ वात शामक तथा आरुचि नाशक होता है। आइए अब जानते हैं इसके कुछ खास और महत्वपूर्ण औषधीय प्रयोग, जिनका प्रयोग करके आप जटिल रोगों को भी दूर कर पाएंगे। ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। उल्टियां होने पर बिजोरा नींबू के रस को लगभग 5 से 10 ml की मात्रा में पिलाने से उल्टियों की समस्या दूर हो जाती है, या फिर 10 से 20 ml बिजोरा नींबू के रस में शक्कर, शहद तथा पीपली का चूर्ण मिलाकर देने से भी उल्टियों की समस्या बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। पेट में कीड़े हो जाने पर बिजोरा नींबू के 10-12 बीजों को पीस कर गर्म पानी से देने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते हैं। बिजोरा नींबू की छाल का प्रयोग मूत्र संबंधी विकारों को दूर करने में किया जाता है। इसकी छाल का चूर्ण 2-5 ग्राम की मात्रा में रोज सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के मूत्र विकार ठीक हो जाते हैं। बिजोरा नींबू को पथरी को दूर करने के लिए काफी समय से प्रयोग किया जा रहा है और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। बिजोरा नींबू के लगभग 10 से 15 ग्राम रस में सेंधा नमक मिलाकर पिलाने से पथरी टूट टूट कर मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। इसका एक बहुत ही अच्छा प्रयोग है खुजली दूर करने के लिए। पुरानी से पुरानी खुजली दूर करने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और मात्र 5 मिनट में ही आपको आराम लगने लगेगा। बिजोरा नींबू के रस में गंधक मिलाना है। गंधक आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। गंधक को पीस कर बिजोरा नींबू के रस में मिला लीजिए और फिर इसको खुजली वाले स्थान पर लगाएं। जहां पर भी आपको खुजली है वहां पर आप इसको लगा लीजिए तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही जल्दी आराम मिल जाता है। 5 मिनट के बाद ही आपकी खुजली दूर होने लगती है और कुछ दिन के प्रयोग से आपकी खुजली जड़ से नष्ट हो जाएगी। इसको आप अन्य चर्म रोगों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी ये फायदा करती है। इसका दूसरा प्रयोग भी आप कर सकते हैं। बिजोरा नींबू के बीजों को पीस कर चर्म रोगों पर लगाने से भी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। बिजोरा नींबू के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिलाने से बुखार ठीक हो जाता है। इसके पत्तों को गर्म करके दर्द वाले स्थान पर बांध देने से दर्द ठीक होता है। आप इस बिजोरा नींबू के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा। इस बिजोरा नींबू के इतने सारे फायदे होने के बाद भी इसको अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। उचित मात्रा में लिया गया बिजोरा नींबू का रस, फल, जड़ और छाल बहुत ही लाभकारी होती है। आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल है तो कमेंट के माध्यम से बेहिचक होकर आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।